5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में शिक्षकों को सम्मानित करने के साथ स्वामी सहजानंद पूर्वांचल कल्याण मंच की ओर से मुख्य अतिथि भारतीय प्रबंधन संस्थान के डायरेक्टर हिमांशु राय ने जनपद के विभिन्न विद्यालयों के अध्यापकों को माला पहनाकर एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर शिक्षक सम्मान समारोह में शामिल होने आए IIM के डायरेक्टर हिमांशु राय, डायरेक्टर PK राय को भी माला पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह देकर संस्था की ओर से सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि IIM के डायरेक्टर हिमांशु राय, डॉक्टर PK राय, विशेष अतिथि आनंद राय सहित बड़ी संख्या में शिक्षकगण एवं विद्यार्थी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर के डायरेक्टर हिमांशु राय ने कहा, इसके पश्चात जो अगली टीम है सात शिक्षकों की, जिनका इनके बाद सम्मान होना है, उनके नाम मैं पुकार दे रहा हूँ। कृपया मंच पर बाईं ओर आप आकर फोटो सेशन के इस कार्यक्रम के बाद आप एक बार पुनः सभी मतदान कर सकें। सभी सम्मानित परम गुरुजनों से आदर पूर्वक निवेदन दीजिए। राय जी को श्री प्रमोद राय जी, श्री अनिल राय जी और श्री दिग्विजय राय जी को मैं श्री नारायण पांडे जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ और उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करने के लिए श्री विनोद राय जी, श्री शिव सागर राय जी सम्मानित करने हेतु और प्रशस्ति पत्र के वाचन हेतु श्री नारायण पांडे जी को। स्वामी सहजानंद पूर्वांचल कल्याण मंच गोरखपुर द्वारा यह सम्मान सुप्रसिद्ध विद्वान शिक्षक प्रोफेसर हिमांशु राय जी, निदेशक भारतीय प्रबंध वरन विदेशों में भी प्रसिद्ध करने का जो स्तुत्य कार्य किया है मंगल कामना करते हैं। इस मंच से और इस मंच के पूर्व भी जब मुझे पहली बार सूचना मिली कि आपको मन में एक कौतूहल होता है कि जाना जाए कि हमारे बीच उपस्थित होने वाले ये महामनीषी कर्म मनीषी और क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी में उसको छोड़ा था तो मैंने सोचा कि अंग्रेजी से आरंभ होता है। पर इसका तात्पर्य यह है कि हालांकि जब आपके साथ डॉक्टर संजय कुमार जी और उत्तरी द्वारा आपको सम्मानित करते हुए मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर संजय कुमार जी के सम्मान के लिए आप मुख्य अतिथि महोदय के साथ मंच पर अपना सहयोग में प्रदान बहुत बढ़िया लगा। मैं सबको ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र की अभी जो प्रगति हो रही है इसको निरंतर बनाए रखें और इसमें हम शिक्षकों को भी योगदान देना है और हमारा योगदान मात्र कक्षा में पढ़ाने से नहीं होगा बल्कि हमें आज के युवा वर्ग को हमको उनको बताना है, उनको प्रोत्साहित करना है कि वो आगे बढ़ के खुद लीडर बने। और जैसा कि मैंने अपने भाषण में भी बोला, हमको दूसरों के लिए इंतज़ार नहीं करना है कि कोई और आकर के हमारे यहाँ कूड़े को साफ करेगा, कोई और आकर के हमारे इस देश को साफ करेगा, कोई और इस शहर को साफ करेगा। हम ही को अपना काम खुद से करना होगा और इसके लिए हमें आवश्यक है कि हम आत्ममंथन करें, आत्मचिंतन करें, एक साथ एकजुट होकर के आगे बढ़ें और ये ध्यान रखें कि ये देश हमारा है तो जैसे देश में हमें जीना है उस देश को वैसा बनाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। सर, आपने 300 युवकों को सूत्र दिया है, क्या है? जो मैंने 300 दिए वो ये बोला कि साहस होना चाहिए एक तो व्यक्ति के अंदर, बिकॉज अगर आप निर्भय नहीं हैं तो आप और कुछ भी काम नहीं कर सकते। दूसरा, आपके अंदर विवेक होना चाहिए, आत्ममंथन और आत्मचिंतन करना चाहिए और तीसरा स्थिर प्रज्ञता होनी चाहिए क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि चीज़ें आपके मुताबिक ना हो तो उसमें बहुत दुख नहीं होना चाहिए क्योंकि समय हमेशा दूसरा आएगा ही। तो ये तीनों चीज़ों को अगर आज का वर्ग समाहित करेगा तो हमारा देश वापस से विश्वगुरु बन जाएगा।